Daddy? 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 What's that word, Daddy? Daddy? क्या बात है, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा मुझे. अरे इन्हें किसी ने गोली मारी. जो भी होगा ना इसी गार्डन में होगा. मैं पुलिस को फोन करता हूँ. और सुनो, तुम ये रिवॉल्वर रखो और कोई भी दिखाई दे भागने मत देना. ले आओ, रखो अपने पास. डैडी आप फिक्र मत कीजिए, डैडी. अरे सेठ जमुनादास, कबीर, ये तुमने क्या किया जी? तुमने खून करते वक्त ये भी ना सोचा कि ये तुम्हारा बाप है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम क्या समझते हो कि मैंने देखते क्या हो? पकड़ो इसे. छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे. किशोरीलाल है ना? हाँ. वो मिला था, उससे कोई पूछ रहा था. दो गवाहों के लिए किशोरीलाल ने उसे हम दोनों के नाम दे दिए. चलो फर्स्ट क्लास. कौन पूछ रहा था? पता नहीं, किशोरीलाल भी उसे नहीं पहचानता. सुनो अहमद और मोहन. हाँ क्यों, क्या बात है? कुछ काम की बात करनी है. तो मैं किशोरीलाल ने तो. जी हाँ, उसी ने भेजा है. बोलो, पैसा अच्छा मिलेगा. तुम्हें पहले तो कभी इधर नहीं देखा, आइंदा देखोगे भी नहीं. बोलो, गवाही देने को तैयार हो? पैसा अच्छा मिलेगा. कितना दोगे? 5,000. 5,000? हाँ, लेकिन गवाही परफेक्ट होनी चाहिए. क्यों, किसी को फांसी के तख्त पर चढ़ाना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, किसी को फांसी के तख्ते पर ही चढ़वाना है. ये सब झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया है. कुछ कहने से पहले आपको इतना तो सोचना चाहिए वकील साहब, आप एक बेटे पे उसके बाप के खून का इल्जाम लगा रहे हैं. ये तो मुमकिन है मिस्टर कबीर कि एक बेटा अपने बाप का खून कर दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हम आपकी दिलचस्प और मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन कर लें. आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड. मेरे फाजिल दोस्त जिसे मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं उसे झूठ साबित करने के लिए इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह. जनाब, मेरे पहले गवाह हैं मोहन कुमार सक्सेना. गीता पे हाथ रखकर बोलिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा. मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा. सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. मिस्टर मोहन, आप क्या करते हैं? जी मैं ठेला चलाता हूं. मिस्टर मोहन, आज से पहले आपने इन साहब को कभी देखा है? जी हाँ. क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आपने मिस्टर कबीर को कब कहां और कैसे देखा? जी हाँ. सरकार, मैं और मेरा दोस्त अहमद 22 अक्टूबर की रात कुछ 10:30 बजे जू से आ रहे थे कि हमने देखा एक बंगले में जगमग रोशनी हो रही है. कंपाउंड की वॉल से हमने झांक कर देखा. आपने कंपाउंड की वॉल से झांक कर क्यों देखा? वकील साहब, हम गरीब लोग हैं, रोशनियों और म्यूजिक की आवाज से हम समझे कि अंदर बड़े आदमियों की पार्टी हो रही है. कभी कभी इंसान जो पा नहीं सकता उसे देखकर ही खुश हो जाता है सरकार. अच्छा, तो दीवार की दूसरी तरफ क्या देखा आपने?
जी, मैं और मेरे दोस्त ने देखा एक साहब जिनकी उम्र 50-55 बरस की होगी, बंगले से बाहर निकलकर बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद बंगले से एक आदमी और निकला और साहब की तरफ गया, लेकिन साहब ने उस आदमी को नहीं देखा क्योंकि साहब की पीठ थी। वो आदमी साहब के करीब पहुंचा और उस आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली, साहब पलटे और उस आदमी ने साहब पर गोली चला दी। जज साहब, हम छोटे आदमी हैं, डर गए और देखते ही वहां से भाग निकले। जिसे तुमने और तुम्हारे दोस्त अहमद ने खून करते हुए देखा है, क्या उस आदमी को तुम पहचान सकते हो? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से जिस आदमी को खून करते हुए देखा है वो कोई और नहीं, ये है। शुक्रिया, तुम जा सकते हो। अहमद रजा, बंद मुनिस रजा, साजिन बंबई हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अहमद रजा, क्या आप बता सकते हैं कि 22 अक्टूबर की रात को 10:30 बजे आप कहां और किसके साथ थे? जी हां, 22 अक्टूबर की रात को मैं अपने दोस्त मोहन के साथ जुहू से पैदल वापस आ रहा था। उस रात को आपने कोई अजीब वाकया, कोई गैर मामूली बात देखी? जी हां, हम लोग वापस आ रहे थे कि हमने देखा कि एक बंगले में बहुत रोशनी हो रही है और कुछ अंग्रेजी बैंड बाजी की आवाजें आ रही हैं। हमारा दिल चाहा देखने को, हमने दीवार झांक कर देखा और क्या देखा कि एक 50-55 साल के साहब। मिस्टर कबीर, आप मेरे गवाह को बयान देने से रोक रहे हैं। वकील साहब, अब किसी गवाह किसी बयान की जरूरत नहीं। मैं अपने जुर्म का इकरार करना चाहता हूं। ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अपने डैडी का खून मैंने किया है। मिस्टर कबीर, ये आप क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, मिस्टर कबीर का वकील मैं हूं। मैं अदालत से दरखास्त करना चाहता हूं। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। सच बात तो यह है, ये खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। That's all, Your Honor. गवाहों के बयान और खुद मुल्जिम कबीर दास वल जमुना दास के इकबाल जुर्म की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कबीर दास ने अपने पिता का खून एक सोचे समझे इरादे से किया है, और इस भयानक जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक मुजरिम कबीर दास को सजाए मौत देती है। कमाल है, आप लोग अभी तक उसी बारे में सोच रहे हैं। हजूर भूल जाइए, वो बात खत्म हो चुकी है। जमुना दास जी स्वर्ग पहुंच चुके हैं और उनका सपूत फांसी पर। और क्या चाहिए आप लोगों को? भाई ठीक है, लेकिन अभी तक फांसी हुई तो नहीं है ना? नहीं हुई तो हो जाएगी, लेकिन एक बात की दाद दीजिए, मैंने एक ही पत्थर से 2 चिड़िया मारी है। लेकिन बात कुछ अजीब लगी। कबीर ने जिस आसानी से अदालत में मान लिया, कुछ समझ में नहीं आता। धर्मदयाल जी, दुनिया में कितनी किस्म के पागल होते हैं, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। आजकल गायब कहां हो, दोनों की शक्ल ही नहीं दिखती। बस मास्टर जी, जब से आपने हमें बताया हम इंतजाम में लगे हुए थे और वो हो गया। इंतजाम? अरे हमने कहा था आपसे कि शादी के इंतजाम की फिक्र मत कीजिएगा, सब बंदोबस्त हो गया है, बस अब आप बात पक्की कर डालिए। अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। लो क्या हो गया, मुझे कोई बात याद ही नहीं रहती। और फिर तुम लोगों का पता भी तो नहीं था। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने चामली से क्या के उसकी फोटो मंगवा ली थी। कमाल है, दिखाइए तो सही। अरे शकल से ही शरीफ आदमी दिखता है।
फोटो। यही तो है कबीर। क्यों, पहले कभी देखा है इसे? क्यों, क्या हुआ? भाई तुम लोगों की पसंद और मर्जी भी जरूरी है, आखिर दोनों भाई हो चामली के। वैसे तो अच्छा लड़का है, मगर मैं चाहूंगा तुम एक बार उसे मिल भी लो। अच्छा है, मुझे पूरा इत्मीनान हो जाएगा। और फिर तुम क्या हुआ, क्या बात है?